बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई किया है जो इंडिया का टॉप थर्ड एक एग्जाम है। जी जी जी, हमारा कर्म करने का अधिकार है, बाकी फल देना तो ईश्वर की इच्छा। तो जो भी गेट एग्जाम करने की इच्छुक है, तो मेरा यदि कहने का मतलब ये है कि यदि आसपास की यदि कोई संस्था में आपको चयन करना है तो आप प्रिंस कॉलेज सीकर को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, एजुकेशन लेवल ठीक है और मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको भरमार मिलेंगे, जिससे आपको नहीं होने वाली चीज भी 10-20% आपको ऐसा लगेगा कि अपन कर सकते हैं। जी नमस्कार, प्रिंस एजु हब सीकर की प्रिंस कॉलेज सीकर से मैं प्रकाश बीचर आज मैं मौजूद हूँ गौरव में राजस्थान की वीर भूमि डीडवाना परगने के दादू वासनी ग्राम पंचायत के एक छोटे से कस्बे आजुआ में, और आज आपको मैं एक ऐसी प्रतिभा से रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूँ जिस प्रतिभा ने गेट जैसा एग्जाम जो इंडिया के टॉप एग्जामों में से एक होता है उस एग्जाम को क्वालिफाई किया। मैं बात कर रहा हूँ डीडवाना परगने के आजुआ कस्बे के उसे संजय कुमार शर्मा की। संजय कुमार शर्मा अपने परिवार में दो भाइयों में सबसे छोटा है, जिसके बड़े भाई श्रीमान अजय जी शर्मा सेकंड ग्रेड के टीचर है, पिता श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा के संस्कारों में पला, माता श्रीमती सुमित्रा देवी की खोख से जाए जन्मे संजय कुमार शर्मा ने एलकेजी से लेकर 10th क्लास की पढ़ाई बिठुड़ा लाडनू के मारवाड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करता है। 10th क्लास के बाद में 11th और 12th की पढ़ाई के लिए आप डीडवाना के आचार्य विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चले जाते हो। 12th तक स्कूली शिक्षा अपने डीडवाना परगने से करने के बाद में बीएससी के लिए आप महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की सीढ़ियां चढ़ जाते हो। 3 वर्षों तक रेगुलर बीएससी करने के उपरांत संजय कुमार शर्मा नाम के इस छोटे से बालक का सपना एमएससी का बन जाता है और आप प्रिंस कॉलेज सीकर में आ जाते हो और फिजिक्स से एमएससी करते हो। 2 वर्षों तक एमएससी करते हो, कठोर संघर्ष और अध्ययन के उपरांत आपका रिजल्ट जब आता है तो 80% का आपका स्कोर, 80% के स्कोर के साथ फिजिक्स से एमएससी करने वाला संजय कुमार शर्मा इंडिया टॉप थर्ड एग्जामों में से एक एग्जाम गेट की एग्जाम को देता है और पहले ही अटेम्प्ट में गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। बड़ी सफलता के लिए संजय आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जानकारी के लिए बता दूं, गेट जैसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में एक बच्चे के लिए न केवल इंडिया की टॉप आईआईटी और पीएचडी करने का रास्ता खुलता है, बल्कि आप भारत सरकार की बड़ी से बड़ी कंपनियों में शानदार प्लेसमेंट पर डायरेक्ट जॉब भी प्राप्त कर सकते। आइए मिलते हैं डीडवाना की उस होनहार सक्सेस से, वो डीडवाना जो मध्यकालीन मुगल साम्राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता था, जिससे डीडवाना का नमक उत्पादन में पूरे राजस्थान भर में दूसरा स्थान है। वो डीडवाना जो आभा नगरी के नाम से जाना जाता है, राजा भर्तृहरि की 1000 वर्ष पुरानी तपोभूमि भी डीडवाना में आपको देखने को मिलती है। उस डीडवाना के आजवा कस्बे के उस बालक से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जो प्रिंस कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ता है और आज गेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता। मैं बात कर रहा हूं उस प्रिंस कॉलेज सीकर की। जब वर्ष 2018 के अंदर प्रिंस कॉलेज सीकर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्था के मामले में संपूर्ण भारत भर में पहली रैंक मिलती है। मैं बात कर रहा हूं उस प्रिंस कॉलेज सीकर की, तो दिल्ली के राजेंद्र और मुखर्जी नगर की तर्ज पर आज देश के युवाओं को यूपीएससी जैसी सिविल सर्विसेज की तैयारी आपकी प्रिंस कॉलेज सीकर में ही उपलब्ध करवा रहा है, जिन्होंने राष्ट्र को अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी देने का काम किया है और काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्रिंस कॉलेज सीकर के उस होनहार प्रतिभाशाली नौनिहाल से, जिन्होंने एक साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाला ये बच्चा, जिसके पिता श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा खेती किसानी का काम करते हैं, धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करने वाले किसान पिता का यह बच्चा आज जिस कदर और जा रहा है, मैं कहते हुए कि दलीलें हुदते करना केवल वक्त खोना है, कसौटी बताती है कि असली पीतल है या सोना है। आइए आपको मिलवाता हूँ आज मैं एक 24 कैरेट शुद्ध खरे सोने से, जो अपने परिवार का खरा सोना है और जो प्रिंस कॉलेज का भी खरा सोना साबित हुआ है। तो सबसे पहले एक बार पुनः संजय शर्मा, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। संजय, आप पहले तो मुझे बताइए कि आज इस बड़ी सफलता के बाद में आपको कैसा लग रहा है? सर, बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई किया है जो इंडिया का टॉप थर्ड एक एग्जाम है। जी जी जी, जिससे हम बहुत ऐसे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अपन आगे कुछ ऐसा रास्ता खुला है कि जिससे अपन कुछ आगे बढ़ सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी सोच अपन शुरू से टारगेट करके चल रहे थे कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचने की पहली सीढ़ी को पार कर चुके हैं। जी जी, तो आप मुझे बताइए कि आईआईटी में एडमिशन के लिए गेट में कौन सी रैंक चाहिए? सर, गेट रैंक का ऐसा है कि जैसे 1 से लेके 2000 रैंक तक का यदि कोई क्वालिफाई करता है तो उसको टॉप आईआईटी में से एडमिशन मिल जाता है कि जैसे वो वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। आप पीएचडी करोगे आईआईटी कॉलेज में, एडमिशन लेने के उपरांत आप फिजिक्स सब्जेक्ट से पीएचडी करोगे? जी सर। पीएचडी करने के बाद में आपके पास क्या क्या रास्ते खुले? रास्ते ऐसे हैं कि जैसे एक चांस ये है कि मैं बढ़िया टॉप आईआईटी पीएचडी करूं। ठीक है। पीएचडी के अलावा एक ऐसा ऑप्शन रहता है कि जैसे गेट क्वालिफाई किया है किसी ने, ठीक है, तो वो इंडिया की जो टॉप लिमिटेड कंपनियां हैं उनके अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर जॉब पा सकता है।
भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर आप जॉब पा सकते ले सकते हो एक अच्छे पैकेज पर, अच्छे पैकेज पर। और बढ़िया जगह से आप यदि आप आईआईटी से पीएचडी कर रहे हो ठीक है, उसके उपरांत जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें क्या लगता है असिस्टेंट ऑफिसर के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर आप इंटरव्यू क्लियर करो और उसके बाद असिस्टेंट ऑफिसर बन सकते हो। जी जी जी। उनके लिए आपको पेपर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्या सपना है, आप क्या बनोगे? मेरा सपना ऐसा ही है सर कि मैं पीएचडी करने के उपरांत असिस्टेंट ऑफिसर बनूं। तो नाम के पहले डॉक्टर लगेगा? बिल्कुल सर, डॉक्टर संजय कुमार शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर। जी सर। तो संजय मुझे अभी आपको पूछना चाहूंगा कि गेट का एग्जाम है, अधिकतर लोग जानते नहीं कि गेट क्या होता है। वो तो ये जानते कि कोलगेट वाला गेट होगा, पर कहीं ना कहीं आज हमारे दर्शक जो आपको देख पा रहे हैं आप उनको सारगर्भित तरीके से बताएं कि गेट का एग्जाम कौन बच्चा दे सकता है, उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है और दैनिक मतलब उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सारी चीजें आप बताइए। जैसे सर गेट में का ऐसा है कि जैसे कोई बच्चा 12th पास करने के बाद आईआईटी में जाने का सपना देखता है, ठीक है, जैसे कोई 12th पास करके आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लो उसका आईआईटी के अंदर एडमिशन नहीं हुआ जी, तो उसके बाद वो बीएससी का ऑप्शन देखता है कि भाई अपन बीएससी करें जी। बीएससी के उपरांत भी आईआईटी का एक ऑप्शन खुलता है, आईआईटी जेएम के सहायता से आप एमएससी कर रहे हो किसी आईआईटी संस्था से जी। यदि आईआईटी जेएम में आपका नहीं हो रहा है तो एमएससी के उपरांत गेट आपको आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, ठीक है, कि आप इंडिया की बेस्ट जो आईआईटी है उसके अंदर से आप पीएचडी या एमटेक एमएससी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये गेट का एक मेन सारांश। तो इसमें कोई न्यूनतम आयु सीमा वाला फंडा भी है ना? नहीं सर, इसमें कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है कि बच्चा कभी भी कर सकता है। आपको जैसे किसी ने गेट क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई करने के उपरांत 3 साल तक वो गेट स्कोर वैलिड रहता है, ठीक है, 3 साल में आप कभी भी पीएचडी और या एमएससी में आप एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस किस प्रकार से रहता है? सिलेबस ऐसे है जैसे कि कोई बच्चा एमएससी में एडमिशन लिया है, उसने कौन से डिपार्टमेंट से एमएससी की है, जैसे मैंने फिजिक्स डिपार्टमेंट से एमएससी की है, प्रिंस एजुएप से, ठीक है, तो एमएससी में फिजिक्स डिपार्टमेंट फिक्स हो गया तो आप पीएचडी करोगे तो उसके गेट एग्जाम दे रहे हो ना, तो फिजिक्स के जो मेन ब्रांचेज है जैसे ऑप्टिक्स है, क्लासिकल है, ये ईडी है, तो मेन 9 ब्रांच है इसके अंदर, तो 9 बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, 9 में से आप फोकस करो कि 7 या 6 ऐसी बुक अपन क्लियर कर ले कि अपन उन बुक्स में से कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। जी जी। यदि इतनी बुक आपकी तैयार है तो आप गेट एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। सुना है कि गेट एग्जाम में लगभग 27 सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल सर, सुना है। 27 में से कितने का चयन करना होता है आपको? जैसे आप 6 सब्जेक्ट चूज कर लो, 6 सब्जेक्ट में आप बढ़िया प्रैक्टिस करो और फोकस करो, मेन 6 सब्जेक्ट को आप 100% दे सको, बाकी सब्जेक्ट को आप मत दो। आपने कौन कौन से पे किया? जैसे मैंने किया था एक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, सेकंड किया था मैंने सॉलिड एंड एटॉमिक, ठीक है, फिर किया था मैंने एसएसपी, टॉपिक हो गया एक तरह से, जैसे बुक से पर्टिकुलर जो फिजिक्स के अंदर बुक्स आती है, हाँ 9 बुक्स होती है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, अब 9 में से आपको 5 या 6 बुक ऐसी पकड़ लो आप कि आप 6 बुक को एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो आपने किस किस पर किया? जैसे मैंने 6 मुख्यतः की थी, पहले की थी मैंने क्वांटम, ठीक है, सेकंड मैंने की थी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, थर्ड मैंने की थी एटॉमिक्स जी, फोर्थ मैंने की थी सॉलिड, ठीक है, और 6 मैंने की थी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, और 7 की थी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब पे मजबूत पकड़ थी आप। मजबूत पकड़। आपका स्टडी प्लान किस प्रकार था इस गेट में तैयारी के लिए? स्टडी प्लानिंग क्या रहती है? जैसे प्लानिंग ऐसी थी कि मैं दिन भर में 7 या 8 घंटे स्टडी करता था, ठीक है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन को सोल्व करता था जी। क्योंकि पढ़ने से ओनली कुछ नहीं होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से क्या होता है थ्योरी और जो फॉर्मूले वो आपके मजबूत हो जाते हैं। तो मैं दिन के अंदर थ्योरी पढ़ता था और जैसे नाइट होती थी, नाइट के बाद में मैं प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करता था, 4 और 5 घंटे में प्रैक्टिस करता था क्वेश्चंस की। तो आप प्रिंस कॉलेज में थे तो आप रहते कहाँ थे? मैं रहता था पालवास रोड में कोई रूम लेके रहता था। अच्छा, किराए के मकान में आप? किराए के मकान। अकेले ही? अकेले सर। खाना खुद बनाते? नहीं सर, ये होटल पे खाते थे खाना। अच्छा, खाना होटल पे खाते थे आप। फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट ईयर में अपन ने खुद बनाया था खाना, सेकंड सेशन में वो क्या एमएससी फाइनल थी उसके साथ में गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि वो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए होटल से खाना शुरू कर दिया था जी। जब आप गेट क्वालिफाई कर लिया, कल को आपकी फिजिक्स से पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्ट जॉब के लिए जाओगे जी। तो कौन कौन सी कंपनियों में आप जॉब के लिए जा सकते? जैसे मेन जो कंपनीज है उसके अंदर पहली आती है बेल, जैसे पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है, सेकंड है आपकी न्यूक्लियर, ठीक है, लिमिटेड कंपनी, थर्ड है इंडियन ऑयल, इंडियन कोयल और इंडियन पेट्रोलियम एंड कंपनीज जी,
ऐसी बहुत सारी सारी कंपनियां भारत सरकार के अधीन आती है। जी सर, ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर नहीं। जी सर, प्राइवेट लिमिटेड होगी। बिल्कुल सर। जी जी, और गेट एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? कंडक्ट करवाता है मुख्यतः IISc और IIT, ये ब्रांच मिलकर गेट एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। अच्छा, इस वर्ष 2023 में आपने एग्जाम दिया होगा? जी सर। 24 में इसका रिजल्ट जारी हुआ, रिजल्ट का परिणाम सफलता में आया? जी सर। पर जब एग्जाम 2023 में जारी हुआ उस समय IISc ने आयोजित करवाया था? जी सर। अच्छा, कभी IIT करवा देती है और कभी IISc करवा। अब आप अपनी सफलता का मुख्य श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं अपनी सफलता का मुख्य श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूंगा, क्योंकि उनके गाइडेंस में मैंने एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, प्रिंस कॉलेज के बारे में आप क्या विशेष खास कहना चाहोगे, जिसने आपको आम से खास बनाने में आपका खुद का योगदान तो है ही, उसके साथ कहीं ना कहीं शायद आपकी कॉलेज का भी रहा होगा? बिल्कुल सर। तो प्रिंस कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, प्रिंस कॉलेज ऐसा है कि आपको एक रेगुलरिटी मिल जाती है। यदि आप प्रिंस कॉलेज में से आप एडमिशन लेते हो, ठीक है, फिजिक्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि मैं मुख्यतः फिजिक्स डिपार्टमेंट से था तो मैं उनके बारे में बता सकता। हमारी ब्रांच में ऐसा है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के सारे टीचर आपको बढ़िया सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बट यानी रेगुलर आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है, रेगुलर आपको गाइडेंस करेंगे कि आप ये करो, और गेट और नेट के लिए पर्टिकुलर एक क्लास लगाई जाएगी आपके लिए, गेट और नेट नेट के लिए, कि जिससे कि आपको गाइडेंस मिले कि आपको कैसा पैटर्न आना है और किस एक प्रकार से एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। और साथ में कॉलेज में सेमिनार रखे जाते हैं, प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं, जी जी, कि हर 6 महीने के अंदर आपको एक ऐसा सेमिनार आयोजित करवाया जाएगा प्रिंस कॉलेज के अंदर। सेमिनार में मुख्य मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कौन आते थे? जैसे एस के कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आते थे। अच्छा अच्छा, वो आपको गाइड करते थे? बिल्कुल सर। उनका भी कहीं ना कहीं फर्क है? बिल्कुल सर, फर्क है, क्योंकि उनके गाइडेंस में हमें एक निश्चित डायरेक्शन मिली है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन के अधीन हम चले थोड़ा बहुत, उसके कारण फायदा हुआ। और कॉलेज में आपको जो प्रैक्टिकल करवाते हैं सर, मुख्यतः सूरज सर है, जी जी जी, वो आप प्रैक्टिकल इतने बढ़िया तरीके से करवाते हैं कि सूरज सर, अच्छा, तो उनके गाइडेंस में आप यदि प्रैक्टिकल कर रहे हो, जी जी जी, तो उसका इफेक्ट आगे आपको इंटरव्यू बेस पे प्रैक्टिकल में बहुत फायदा मिलने वाला है। जी, सूरज सर की गाइडेंस में जो प्रैक्टिकल करता है वो सूरज की तरह चमकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसे आप चमक के निकले हो। बिल्कुल सर। और अपर मैनेजमेंट वहाँ का जो प्रबंधन था, उनको लेकर आपका क्या कहना है प्रिंस कॉलेज का? प्रबंधन ऐसा है कि जैसे आपको एक तो यानी एजुकेशन ले रहे हो तो डिसिप्लिन मेन जरूरी होता है, ठीक है, तो प्रिंस कॉलेज का जो डिसिप्लिन है वो मैं 10 out of 10 देना चाहूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है, ठीक है, बच्चे का यदि डिसिप्लिन बढ़िया रहेगा तो वो कुछ बढ़िया ही करेगा। संजय ने प्रिंस को अनुशासन में 10 में से 10 नंबर दिए। जी सर। और याद रहे, ध्यान रहे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के मामले में पूरे भारत भर के अंदर प्रिंस कॉलेज सीकर को फर्स्ट रैंक मिली। ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है। जी सर। तो आप एक ऐसे वातावरण में रहा करते थे जहाँ पर पढ़ाई अच्छी, स्वच्छता अच्छी, बिल्कुल अनुशासन अच्छा, तो कहीं ना कहीं प्रिंस एजुहब तमाम शिक्षा के मापदंडों की कसौटी पर खरा उतर है। बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे डिपार्टमेंट के अंदर टीचर होते हैं ना, ठीक है, जैसे हमारे में MSc फाइनल में और प्रीवियस के अंदर जो टीचर थे, ठीक है, जैसे मुकेश सूरज जी सर थे, जी, सुशील जी सैनी साहब थे, ठीक है, और विजय केदार साहब थे, जी, और कुलदीप सर थे, जी जी, और हंसराज सर थे, उन्होंने हमको बहुत गाइडेंस किया है, क्योंकि हम आए थे MSc में एडमिशन लिया था तो हमको पता नहीं था कि भाई गेट और नेट की भी हम साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया प्रीवियस के अंदर, कि हम कॉलेज में जाते ही उन्होंने हमको इस कदर मोटिवेट कर दिया था कि आपको टारगेट रखना है कि MSc होती है आपकी गेट और नेट में एक में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उनके गाइडेंस में हमने प्रीवियस के अंदर बढ़िया तैयारी की, पर्टिकुलर एक क्लास लगाते थे, फिर MSc फाइनल में सूरज सर और सुशील जी सर ने बहुत मेहनत की हमारे लिए, बढ़िया क्लास लेते थे सर, इस कारण से आज हम इस पायदान पर। तो मुझे आप ये बताइए कि 12th तक स्कूली शिक्षा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से करने वाला संजय शर्मा, जी सर, की BSc कंप्लीट होते हैं तो आपको एकाएक ये सपना कैसे आ जाता है कि मुझे अब MSc करनी है, वो MSc प्रिंस कॉलेज सीकर से ही करनी है, क्योंकि MSc तो आजकल लगभग कॉलेज करवा रहे हैं? बिल्कुल सर, करवाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो मेन मोटिव ये था कि आसपास में ऐसी कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है कि जो रेगुलरिटी से आपको MSc कंप्लीट करवा दे, ठीक है, जैसे कोई पार्ट टाइम MSc करवाता है कोई कई कॉलेज में, ठीक है, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते, रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पाती, ठीक है, एक रेगुलर प्रैक्टिकल सेशन नहीं हो पाता है, जो प्रैक्टिकल का मेन इफेक्ट पड़ता है MSc डिग्री पे, प्रैक्टिकल का। बिल्कुल सर, यदि आपने MSc किया यदि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आपकी डिग्री एक तरीके से वेस्ट ही है वो। बिल्कुल, केवल डिग्री लेने से क्या डिग्री लेने से कोई मतलब कोई ले लेगा वो, तो घर पे अपन ऐसे रखने से क्या मतलब कोई है? मतलब नहीं।
तो मेन मोटिव ये है कि जो प्रिंस कॉलेज है, मैंने एक बार पहले मैं 2-3 दिन डेमो के लिए गया प्रिंस कॉलेज में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर टीचर थे, जैसे परिवेश के अंदर 4 बुक्स चलती है तो 4 बुक्स के लिए 4 टीचर डिफाइन किए हुए थे, ठीक है, और पर्टिकुलर एक यानी एक क्लास प्रोजेक्ट के लिए और एक्स मेंटली पर डे सर पर डे आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है। तो इस कारण से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, इस कारण से मैंने प्रिंस एज वेब सीकर जी जी वैसे प्रिंस कॉलेज सीकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावत यूनिवर्सिटी के अधीन आती है जी सर, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावत यूनिवर्सिटी के अधीन शेखावटी की लगभग सैकड़ों कॉलेजें इसके अधीन आती है, उनमें सबसे अगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किसी का रहा है तो आपकी प्रिंस कॉलेज का, चाहे बीएससी के परिणामों की बात कर ले चाहे बीए के परिणामों की बात कर ले, सब में शेखावटी में सबसे टॉपर प्रिंस कॉलेज सीकर है, जो हर मामले में शिक्षा के प्रत्येक मापदंडों की कसौटी पर प्रथम रैंक पर आ रही है जी सर। बहुत बढ़िया, तो ये था हमारा संजय कुमार शर्मा जो डीडवाना परगने के आजवा कस्बे से आता है, और अपने गांव के आसपास से आप पहले ऐसे स्टूडेंट हो जिसने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया जी सर। आप में इतनी हिम्मत कैसे आई? हिम्मत कैसा सर, जैसे आप बड़े सपने देखते हो तो कुछ बड़ा करने की सोच भी रखनी पड़ती है, तो हमने बताया ना जैसे अपन कॉलेज में गए प्रिंस जो है आपके अंदर, तो वहाँ टीचरों के गाइडेंस में हमको पता चला कि भाई अपन ऐसा ऐसा कर सकते हैं कुछ आगे जाके, तो उनके गाइडेंस में हमने इनके बारे में पता किया जी जी। कहते हैं कि गिर को करे कंतड़ा हिरण कसोगी खाई, आक चरे पून भके घोड़ा सो आगे जाए, कि हिम्मत कर हुंकार भर हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है, तो हिम्मत करी हुंकार भरी उसका परिणाम यह है कि आज आप इंडिया की टॉप एग्जामों में से एक आती है गेट एग्जाम, उसको आप क्वालिफाई किया, तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य आने वाले समय में मुझे सुनहरा दिखाई दे रहा है। आप अपने 5 वर्ष या 10 वर्ष बाद के फ्यूचर को देखते हो तो किस रूप में देख पा रहे हो? मैं ऐसे सोच रहा हूँ जैसे कि मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर पद भी हूँ। क्या बात है, बिल्कुल। अब मैं ये संजय शर्मा नहीं कहूँगा, हमारे बीच असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी बैठे हैं। तमाम बातचीत आपसे हुई, बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू। अब मैं आपके पापा जी से मिलना चाहूँगा जी। अपने बीच में गेट एग्जाम क्वालिफाई प्रिंस कॉलेज का होनहार मेधावी विद्यार्थी संजय कुमार शर्मा के पिताजी श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा, जो पेशे से किसान हैं और साथ में आपके पास के एक अडानी के पावर हाउस में काम भी करते हो, जॉब करते हैं। तो आइए मिलते हैं उस किसान पिता से जिस पिता के एक साधारण से बच्चे ने सपनों की नई उड़ान भरी। आपके बच्चे ने इंडिया के टॉप एग्जामों में से एक एग्जाम गेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है, आने वाले समय में फिजिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर आपका बच्चा बने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। तो शुरू से ये सपना बन गया था कि बेटा एक दिन कुछ ऐसा कर जाएगा कि कभी सोचा ही नहीं था? नहीं, ऐसे मेरे दिल में था कि अपने बच्चे एक दिन सक्सेस हो गए जी, अच्छे पढ़ेंगे जी, और मेरा भी वैसे ज़्यादा फोकस इनके पढ़ाई पे ही था। अच्छा अच्छा, मेरा संकल्प था कि बच्चे आगे बढ़े, अच्छे पढ़े, ठीक है, उन्होंने आगे तरक्की करे तो अपना जो जीवन है वो जी, सफल हो जाए। तो राधेश्याम जी, बच्चों की पढ़ाई के दरमियान आप एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हो जी, आपके खेतों में जो भूमिगत जल स्तर है वो भी काफ़ी नीचे गिर चुका है, पानी भी नहीं है तो फसल भी ढंग से नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ा होगा। हाँ, कभी कभी जैसे अकाल पड़ जाता है, कभी अनाज होता है, कभी नहीं होता है, बारिश पे जैसे निर्भर रहता है हमारे, ठीक है, तो बारिश हुआ तो अच्छी फसल पैदावार होती है। राम भरोसे खेती है। ठीक है, राम भरोसे खेती जी। तो ये वो किसान पिता है जो इस धरती माँ का सीना चीर कर अनाज पैदा करते हैं और वो किसान अन्नदाता कहलाते हैं। वो किसान पिता तो धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करके अपनी संतान को पढ़ाने का संकल्प करता है, और उत्तरी भारत की टॉप संस्थान नॉलेज पावर हाउस द लैंड ऑफ इंडिया के सरजमी जिसे बोलते हैं प्रिंस कॉलेज के प्रांगण तक आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज देते हो। हाँ। तो कहीं ना कहीं उस माँ बाप की सोच बड़ी है, और विजनरी सोच के पिताजी श्रीमान राधेश्याम जी शर्मा का आज ये छोटा बेटा, आपके 2 संतान है। हाँ। बड़ा बेटा आपका सेकेंड ग्रेड टीचर बन चुका है। बड़े बच्चे सेकेंड ग्रेड में जॉब लग गया है, और छोटे वाले छोटा वाला प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है जी, कि जी। अपना जीवन सफल हो गया, जो भी अपने यहाँ पे इनके पीछे जितना भी खर्च किया वो सब संतुष्टि मिल गई, और आज अत्यंत खुशी है कि अपना
बच्चा गेट का जो एग्जाम पास किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया राधेश्याम जी, थैंक यू। थैंक यू सर। अपने बीच में संजय कुमार शर्मा की माताजी श्रीमती सुमित्रा देवी जी मौजूद हैं, जो गृहिणी हैं। अपनी माँ की शीतल छाया में पढ़ने वाला संजय कुमार शर्मा की माँ से मिलते हैं। माताजी, बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहा है, बहुत बड़ी एग्जाम पास किए, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ है। आज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आपने बहुत खुशी हुई। अच्छा खुशी हुई, काया सॉरी होगी? हाँ बहुत अच्छी सॉरी होगी। हमारे बीच संजय कुमार शर्मा के बड़े भाई, ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान अजय जी शर्मा, जो पास सीखे के सरकारी विद्यालय में सेकंड ग्रेड के टीचर हैं। आइए मिलते हैं उस ज्येष्ठ भ्राता से, जिन्होंने अपने छोटे भाई को अच्छे संस्कारों से पोषित किया और शिक्षा के सोपानों पर आगे बढ़ाते हुए सफलता के आयामों को छूने में मदद की। अजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। जी सर। भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आज कैसा महसूस हो रहा है? आज हमें अपने अंदर से गौरवान्वित महसूस हो रहा है, ठीक है, कि आज छोटे भाई ने इस मुकाम हासिल किया है। जी जी। इंडिया का टॉप एग्जाम गेट क्वालिफाई किया है। मेरे पिताजी किसान परिवार से हैं, ठीक है, और किसान परिवार में हम जन्म लेकर के और अपने पिता का नाम आज रोशन किया है, हम दोनों भाइयों को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई को लेकर शुरू से आपको ऐसा लग रहा था कि भाई एक दिन कुछ ऐसा बड़ा कर जाएगा कि शायद जिसने आपने सोचा ही नहीं होगा? जी जी, देखो ऐसा है कि हम शुरू से ही केवल कर्म कर रहे थे। एक शास्त्र में उक्ति भी लिखी हुई है, कर्मणेवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी जी जी, हमारा कर्म करने का अधिकार है, बाकी फल देना तो ईश्वर की इच्छा। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा फल की इच्छा करो। फल देना उस ईश्वर का हाथ है, वो कर्मों के अनुरूप ही मिलेगा। कर्मों के अनुरूप आज हमें अपने कर्मों के अनुरूप हमें फल मिल गया। कर्म का ही फल है। वैसे तो राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी जी, पर नियति उन्हें फल उनके कर्मों के अनुसार, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फल मिला है। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे कर्म थे जी सर। अब आप मुझे ये बताइए कि बड़े भाई को आपका क्या मोटिवेशन रहता था? मेरा मोटिवेशन यही था कि जब से ये शिक्षा के क्षेत्र में था तो मैं इसका हमेशा से सहयोग करता आया हूँ, कि ये भी मेरे से राय लेता था कि भैया आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने इसको राय दी, पहले BSc करना है जी जी। फिर प्रिंस कॉलेज से MSc करना है, फिर MSc के बाद में जो इंडिया के टॉप एग्जाम है उनमें भी हमें मेहनत करना है, हो सकता है उसमें भी क्वालिफाई। लेकिन हमने जैसे मेहनत की उसका आज परिणाम हमें अच्छा ही मिला है जी। थैंक यू सर जी, धन्यवाद सर। संजय शर्मा, आप बताइए कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो आप की तरह गेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? किस प्रकार के इंस्टीट्यूट कॉलेज का चयन उनको करना चाहिए, कैसे उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और कहाँ से होनी चाहिए, बताइए आप। देखो, जो भी गेट एग्जाम करने की इच्छुक है, यानी चाहते हैं कि हम हायर एजुकेशन के लिए जाएं, ठीक है, तो मेरा यदि कहने का मतलब ये है कि यदि आसपास की यदि कोई संस्था में आपको चयन करना है तो आप प्रिंस कॉलेज सीकर को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, एजुकेशन लेवल, ठीक है, और मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको भरमार मिलेंगे, कि जिससे आपको नहीं होने वाली चीज भी, यानी 10-20% आपको ऐसा लगेगा कि अपन कर सकते हैं, कर सकते हैं। और आपके सहयोग से, देखो सर ऐसा है कि गुरु के सहयोग से जो बच्चा होता है ना जी जी जी, वो फूल की तरह खिलने लगता है। बिल्कुल, ये तो सत्य बात है। गुरु एक शिष्य का उस प्रकार से आगे बढ़ाने की मदद करता है, वो अपने ज्ञान रूपी पत्तों के माध्यम से एक बच्चे में एक तरह से ऑक्सीजन का प्रवाह करता है जी सर, ताकि वो हमारा बच्चा फल फूले आगे बढ़े। बिल्कुल। और कहते हैं कि माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीवन जीने की कला सिखाई है। ज्ञान, चरित्र और शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा हमें उन्हीं से पाई है, ये भी कहा गया है जी सर। तो इसी के साथ ये था हमारा डीडवाना परगने, जो डीडवाना अभी हाल ही में राजस्थान का नवगठित नया जिला बना है, डीडवाना कुचामन कहेंगे। संजय कुमार शर्मा, साधारण किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाला संजय शर्मा आज हायर एजुकेशन के लिए गेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। एक बार पुनः आसपास के आजवा कस्बे और संपूर्ण डीडवाना परगने के तमाम लोगों को इस बच्चे की, संजय कुमार शर्मा की बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू। थैंक यू सर।